नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार मीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं रुद्रघटम् चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रणाम सभी लोगों। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग अग्नि, जो हम लोग जठराग्नि बोलते हैं, और जो क्योंकि आयुर्वेद का वही बेस है,
और आयुर्वेद, इस ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पे हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को जो मैं आज बताऊंगा वह कोई भी नहीं बताता है। हम लोग ना आज अग्नि पे बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपना अपना मत बताइएगा। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मिनट बस रुक जाइए। अभी मैं कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो आप लोग भी मतलब इसको चलाते रहिएगा। अभी 2 मिनट रुक जाइए। मैं हाँ, अब हम ग्रहणी चिकित्सा देखते हैं। तो ग्रहणी चिकित्सा देखते हैं तो हम लोगों ने मल का पाचन और तत्तत दोषानुसार आम पाचन करने के बाद अग्नि बढ़ाने की तरफ हम लोगों को ध्यान देना आवश्यक होता है। ये हम बार बार कहते हैं कि दीपन दवाई देनी है, आम का पचन हो गया है और अग्नि दीपन करना बहुत जरूरी है। ग्रहणी की चिकित्सा कर दिया, अब अग्नि दीपन करना बहुत जरूरी है। तो अग्नि का अगर हम लोग अग्नि पे ध्यान देते हैं तो हम लोग अभी यहाँ पर दूसरे अग्नि पे बात नहीं कर रहे, हम लोग जठराग्नि पे बात कर रहे हैं। हमने पहले देखा है कि ग्रहणी का बल है उसमें स्थित अग्नि के बल पर निर्भर करता है। जब तक अग्नि प्राकृत नहीं होता है तब तक ग्रहणी का बलाधान करना असंभव है, मतलब ग्रहणी को बल मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ग्रहणी में अग्नि दीपन करते हुए एक निश्चित क्रम का अनुसरण करना अभीष्ट होता है। ऐसा करने पर ही बढ़ा हुआ अग्नि दीर्घ काल तक यथास्थित रह पाएगा। तो एक नियम से ही हमें अग्नि को बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कोई बहुत ज्यादा चित्रक दे दिया, त्रिकटु दे दिया, अग्नि बढ़ गया और उसके बाद में कुछ भी उल्टा पुलटा खाया अग्नि बुझ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने निश्चित क्रम के हिसाब से अग्नि को बढ़ाया तो वह बहुत ज्यादा दीर्घ काल तक टिका रहता है और हमारा जो रोगी है वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता है, वो स्वस्थ रहता है। जब हम लोग ये सोचते हैं समदोषा समाग्निश्च समधातु मूल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रमना स्वस्तित्य विधीयते, तो हमें अग्नि को प्राकृत रखना और वो भी दीर्घ काल तक जठराग्नि को दीप्त रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए ग्रहणी में अग्नि दीपन का वैशिष्ट्य है। ग्रहणी रोग में अग्नि दीपन जो होता है ग्रहणी चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। ग्रहणी में कौन कौन से उपक्रम करने चाहिए ये बताने वाला चरक संहिता में एक सूत्र है। चरक संहिता 15वां चैप्टर देखेंगे, 15 चैप्टर चरक चिकित्सा स्थान का, ग्रहणी चिकित्सा स्थान का। तो उसमें क्या बताया है, 196-197 नंबर का जो श्लोक है इसमें बताया है कि स्नेहनम स्वेदनम शुद्धि लंगनम दीपनम चयत चूर्णाने लवण क्षार मध्वरिशुरा स्वाहा विविधास्तक्र योगाश्च दीपनानां च सर्वेषां ग्रहणी रोगिभिः सेव्यः। मतलब ग्रहणी रोग की चिकित्सा करनी है। जब भी हमारे पास बड़ा बड़ा बीमारी वाले पेशेंट आते हैं, आईबीएस हो गया, या फिर हमारे पास आ गए पेशेंट क्रॉन्स डिजीज वाले आ गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले आ गए, जिनको ग्रहणी रोग है, संग्रहणी है, ग्रहणी रोग है, तो इसमें स्नेहन और स्वेदन और शुद्धि यह करना बहुत जरूरी है। स्नेहन शोधन करके या तो आप वमन करिए, विरेचन करिए, या फिर कैसे भी आपको शुद्धि करना बहुत जरूरी है। रक्त मोक्षण करना भी बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में लंघन कराना बहुत जरूरी होता है। फिर दीपनीय द्रव्य देना जरूरी होता है। उसके लिए चूर्ण का प्रयोग करते हैं, वो तरह लवण युक्त जो औषधियां हैं जैसे भास्कर लवण चूर्ण है, पंच लवण चूर्ण है, वो हम लोग देते हैं। कभी कभी हमें कफज ग्रहण में क्षार का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी जो महुआ होता है उसका मध्वारिष्ट या मध्वारिष का सूरा का प्रयोग करना पड़ता है, आसवरिष का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी तक्र के योग का प्रयोग करना है, तक्रारिष वगैरह का प्रयोग करना पड़ता है। और कभी कभी पर्पटिकल्प का दीपन दीपन करने के लिए हमें कभी कभी घी घृतकल्पनाओं का प्रयोग करना पड़ता है। ये सब जब हम करते हैं ना, घृतकल्पना करने दिया और आपने ग्रहणी को ठीक कर दिया तो ऐसा नहीं होता है। घृत स्नेह स्नेहन भी होना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे मैंने मध्वरिष्ट बताया ना, यहाँ पे मध्वरिष्ट है मधु का रिष्ट, वो मोहा मधु का रिष्ट नहीं, मध्वरिष्ट जो शहद से बनाया हुआ अरिष्ट होता है उसका प्रयोग बताया। तो अगर हम लोग देखेंगे ना उपक्रम को, दो दीपन शब्द जो बताया है उसमें लवण का प्रयोग बताया है, क्षारयुक्त चूर्णों का प्रयोग बताया है,
मध्वरिष्ठ का प्रयोग बताया, ऐसे बहुत सारे आसवरिष्ठ का उपयोग बताया, बाद में तक्र का प्रयोग बताया, दीपने घृत का प्रयोग बताया, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम दीपन कर्म देखते हैं तो उपक्रम को जोड़कर देखते हैं ना, तो पहले लवण का प्रयोग बताया है, तो आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में लवण वाले औषधियां जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग करते हैं, दाढ़ी मास्टक चूर्ण उसमें थोड़ा लवण होता है, अजमोदादि चूर्ण जो थोड़ा नमकीन होता है उसका प्रयोग करते हैं, या क्षारयुक्त चूर्ण वाले प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग चित्र का आदि वटिए उसमें आप लोग देखेंगे तो सज्जी क्षार है, यवक क्षार है, क्षार का प्रयोग है, द्रव्याद रस देखते हैं उसमें भी थोड़ा सा क्षार डाला हुआ है, तो क्षार क्या करता है कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन में उसके ऊपर जो थोड़ा कफ का आवरण है उसको निकाल देता है, कफ को निकाल के जो लीन कफ ऊपर से चिपका हुआ कफ है उसको निकाल देता है, साफ कर देता है, और फिर वहां से जो पित्त का स्त्राव है उसको प्राकृत कर देता है ना। तो इसी तरह से इसीलिए क्षार का प्रयोग हमारे ग्रंथकारों ने बोला है कि क्षारयुक्त चूर्णों का प्रयोग या वटियों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। उसी तरह से आसवरिष्ट जैसे द्रव्य हैं जो आग्नेय गुण प्रधान कल्पना से बना हुआ रहता है और वह संदूषित अग्नि को और उत्कृष्ट बिंदु तक लेके जाता है, मतलब जितना मैक्सिमम चाहिए अग्नि उतना तक आसवरिष्ट लेके जाता है, और सूक्ष्म स्रोतोगामी होता है, तो धात्वग्नि सात धात्वग्नि को भी अच्छा करता है, पंच महाभूताग्नि को भी अच्छा करता है, जठराग्नि को तो अच्छा ही करता है। अभी आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा कि डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम है, उनके जो ससुर जी है उनको पैरेन्काइमल डिजीज था, ऐसा डायग्नोस हुआ था, तो उसका इलाज नहीं है एलोपैथी में, लेकिन उन्होंने 1 लीटर वो आसवरिष्ट पिलाते हैं अपने ससुर जी को पर डे, उनको विरेचन नहीं होता है इतना आसवरिष्ट पीने के बाद, उल्टा उनको क्या हो रहा है कि बल की प्राप्ति हो रही है, मतलब मांस की अग्नि भी अच्छी हो रही है, शुक्र की भी अग्नि अच्छी हो रही है, पूरा शरीर में रिजुवनेट हो रहा है, ये हमारा आसवरिष्ट का जो दीपन कार्य होता है लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग और सबसे सेफ इस तरह से होता है। तो अगर हम अग्नि पे काम कर रहे हैं, ग्रहणी की चिकित्सा करते हुए अग्नि पे काम कर रहे हैं, मैं जो भी बता रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, आप लोग भी इस पे सोचिएगा, विचार करिएगा कि ये जो चीजें बताई हैं आयुर्वेद के सिद्धांत में इसको हमको इस तरह से ही सोचना चाहिए। तो आयुर्वेद ग्रहणी में जब हम अग्नि दीपन ऐसा बोलते हैं तो उसमें 3 स्टेप हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 3 स्टेप। पहला है अग्नि को संदूक्षण करना, जैसे आग जो है ना उसको जलाना, संदूक्षित करना, इग्नाइट करना, फायर को जैसे हम मैचबॉक्स से तिल्ली जला के या फिर हम लाइटर से जला के इग्नाइट करते हैं, अग्नि को संदूक्षित करना, अग्नि को धमापन करना, जैसे कि लोहार होता है, लोहार क्या करता है कि वो अपना भट्टी जलाता है और अग्नि को वो बढ़ाता है, धीरे 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 बढ़ाता है, उसका भट्टी जलता है तो वहां पे ऑक्सीजन देके उसको बढ़ा जाता है, वैसे ही हम अपने द्रव्यों से अग्नि का धमापन करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद
क्या हुआ, यहाँ पे नेटवर्क चला गया था, तो फिर मुझे कृपया होस्ट बना दीजिए। यहाँ पर तीन स्टेप रहता है अग्नि को, हमें ट्रीटमेंट जब हम करते हैं अग्नि को दीपन करने के लिए, तो यहाँ पे अग्नि संदूक्षण करना, ठीक है, पहला स्टेप। अग्नि को धमापन करना, अग्नि को जिस तरह से लोहार जो रहता है अपना भट्टी को धमापन करके उसको बढ़ाता है। तीसरा होता है अग्नि को स्थिरीकरण करना, अग्नि को टिका के रखना। शशि मैम कृपया मुझे होस्ट बनाइए। शशि मैम है क्या, कृपया मुझे होस्ट बनाइए। तो यहाँ पे अग्नि संरक्षण कर रहे कर रहे हैं, मुझे लगा कोई और होस्ट होगा, मैं भी कर रही हूँ, प्लीज एक मिनट। जी, अग्नि का संरक्षण जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए अग्नि को इग्नाइट करते हैं। हाँ ठीक है, अग्नि को हम लोग संरक्षण करते हैं, मतलब अग्नि को इग्नाइट करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं। तो के लिए हम लोग लवणात्मक द्रव्यों का और क्षार द्रव्यों का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और चरकाचार्य जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है, विशिष्ट व्याधि में संप्राप्तिक संगठन को समझते हुए दीपन करने के लिए विशिष्ट रसायनिक द्रव्यों का चयन किया जाता है। जैसे कि आम का व्याधि जो है, जहां पे आम और वायु जहां बढ़ा हुआ है, वहां पे तिक्त रसात्मक द्रव्य और कटु रसात्मक द्रव्य का उपयोग करते हैं। तिक्तम कटु दीपनानी च, उसी में ग्रहणी में जिस तरह से आमवाद में तिक्त और कटु रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो ग्रहणी रोग में दीपन के लिए लवण और क्षार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लवण और क्षार का चयन करने का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि ग्रहणी में लवण ही क्यों बताया है और क्षार का ही प्रयोग क्यों बताया है, यह समझना बहुत जरूरी होता है। लवण रस का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि कटु रस मतलब तीखा जो जो भी द्रव्य होता है, कटु रस जैसे त्रिकटु हो गया, शुंठी हो गया, पंचकोल हो गया, ये कटु रसात्मक द्रव्य होते हैं। और अम्ल रसात्मक जैसे कि नींबू हो गया, आमचूर हो गया, जो खट्टे चीजें होती हैं, और लवण रस, लवण मतलब नमकीन चीजें, ये तीनों रसात्मक द्रव्य जो होते हैं वो उष्ण वीर्यात्मक माने जाते हैं। उसमें भी एक क्रम है कि रसाहा कटवाम्ल लवणाहा वीर्यं उष्णो उष्णा यथोत्तरम, मतलब अम्ल रस जो है वो कटु रस से ज्यादा उष्ण बताया बागभट्ट ने बताया क्लियरली, और लवण रस जो है वो सबसे ज्यादा उष्ण बताया सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि कटु रस से ज्यादा उष्ण कौन है, तो अम्ल रस। अम्ल से ज्यादा उष्ण कौन सा है, तो लवण रस। अगर हम लोग पांच भौतिक संगठन देखेंगे तो कटु रस में अग्नि महाभूत और वायु महाभूत रहता है, अम्ल रस में अग्नि महाभूत और पृथ्वी महाभूत रहता है, लवण रस में अग्नि महाभूत और जल महाभूत रहता है। इसका मतलब ये है कि कटु रस, अम्ल रस और लवण रस, इन तीनों रसों के संगठन में अग्नि महाभूत प्रधान होता है, और ये तीनों रस आग्नेय होते हैं, उसमें अग्नि तत्व प्रधान रहता है। कटु रस अगर हम लोग देखेंगे कटु रस, तो अग्नि तथा वायु के साहचर्य से बनता है, अग्नि और वायु उसमें मेन रहता है कटु रस में, जिसके कारण उससे तुरंत अग्नि की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बनी नहीं रहती है। जैसे कि हम लोगों ने माचिस जलाया पेपर में, पेपर पे को जलाया, पेपर जल जाता है फिर बुझ जाता है, उसी तरह से कटु रस से अग्नि तो बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने शुंठी दिया, त्रिकटु दिया, पंचकोल दिया, वो बढ़ जाएगा अग्नि, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक बना नहीं रहेगा। जैसे कि किसी कोयले का राख जम जाने पर वो ठंडा होने देता है, और फूक मारने पर ऊपर की राख की परत निकल जाती है और कोयला तुरंत लाल हो जाता है। यदि उसे हवा नहीं मिलेगा तो फिर वो फिर से राख उसमें जमने लगती है। इसका मतलब ये है कि ये स्पष्ट है कि अग्नि के साथ वायु महाभूत हो तो अग्नि की वृद्धि तुरंत हो जाती है, लेकिन वो अग्नि ज्यादा देर तक बना नहीं रह सकता है, ठीक है। यही कटु रस में होता है। कोयले का उदाहरण देखिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अग्नि के साथ में कंटिन्यू वायु चाहिए, वायु मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर मिलेगा, तभी वो अग्नि प्रज्वलित रहेगी, नहीं तो जैसे कोयले में राख का परत लेयर जमा हो जाता है, उसी तरह से वायु नहीं मिलेगा तो वह ऊपर से लेयर जमा, तो कटु रस जो है अग्नि को ज्यादा देर तक बनाकर नहीं रह सकता है। इसीलिए कटु रस का जो आग्नेयत्व है उसको न्यूनतम माना गया है, ठीक है। दूसरा होता है अम्ल रस। अम्ल रस के संगठन में अग्नि के साथ पृथ्वी महाभूत होता है, पार्थिव ईंधन तुलनात्मक दृष्टि से अधिक समय तक कार्यकारी रहता है, मतलब जो भी लकड़ी हो गया, जैसे पार्थिव है लकड़ी, हमारा जो है वुड है वो पार्थिव है, तो इसी तरह से हम लकड़ी जलाते हैं, एक बार उसे अच्छी तरह से जलाने के बाद
काफी समय तक उष्णता प्रदान करते रहता है लकड़ी, ठीक है। तो अम्ल रस जो है उसका अग्नेयत्व है कटु रस की अपेक्षा ज्यादा माना जाता है। पहला एग्जाम्पल क्या बताया, कोयला का बताया, कटु रस के लिए कोयला जो है वो जलेगा लेकिन वो फिर बुझ जाएगा, उसमें राख जमा हो जाएगा ऊपर से, तो वो थोड़ी देर के बाद स्थिरता ज्यादा देर तक नहीं रहती है। अम्ल रस को लकड़ी का उदाहरण देके बताया कि वह जलेगा और ज्यादा देर तक टिका रहेगा, इसलिए उसकी उष्णता को कटु रस से ज्यादा अम्ल रस की उष्णता को माना गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग मुझे रोक के फिर बताइए। इसी तरह से अगर हम लोग, तो अम्ल रस का अग्नेयत्व है कटु रस की अपेक्षा ज्यादा माना जाता है। तीसरा है लवण रस, लवण रस जो है वो अग्नि और जल महाभूत से बना रहता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है, और ये जो अग्नि और जल, हम ऐसे सोचेंगे अग्नि भी है और जल भी है, ऑपोजिट चीजें लवण रस में, तो हम इसको उष्ण कैसे माने। तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि पेट्रोल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल डीजल क्या होता है, अग्नेय भी होता है जलीय भी होता है। तो अगर हम लोग पेट्रोल या फिर दिया, और दिया में हम लोग तेल या घृत डालते हैं और उसको जलाते हैं, तो ईंधन की मात्रा कम हो जाती है, और दिया में हम घृत तेल डालते हैं, बत्ती लगा देते हैं, तो घंटों तक प्रज्वलित रहता है। यही काम लवण रस का है। इससे स्पष्ट ये होता है कि अग्नि जल का साहचर्य हो जाए तो दीर्घ काल तक उष्मा प्रदान करता है। इसी वजह से पुराने समय में अंत विधि के समय लाश को ठीक से जलने के लिए लकड़ी के साथ उस पर नमक भी छिड़का जाता था, जिससे जब मतलब डेड बॉडी जला रहे हैं ना, आप लोगों ने वहां पे बनारस में देखा होगा जो मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, वहां पे नमक डाल दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि जल और अग्नि के साहचर्य से बनने वाला जो लवण रस है वो उष्ण हो जाता है, तो अग्नि को ज्यादा देर तक टिकाए रखता है। अभी आप लोगों को समझ आया? अर्चना मैम, मैंने जो बताया आप लोगों को समझ आया क्या? यस मैम, यस सर, यस सर। अर्चना मैम? हाँ सर, आया सर, समझ में आया। जो उष्णत्व कटु रस का उष्णत्व है वो थोड़ा कम होता है, अम्ल रस का थोड़ा ज्यादा होता है। कटु रस का उष्णत्व को कोयला जैसा समझिए, कोल, और अम्ल रस का उष्णता लकड़ी जैसा समझिए, क्योंकि अम्ल रस में पृथ्वी, अग्नि और पृथ्वी रहता है, कटु रस में अग्नि और वायु रहता है कोयला की तरह, और जो पेट्रोल डीजल तेल घी का जो उष्णत्व है वो जल और अग्नि इस हिसाब से रहता है। तो लवण रस का अग्नेयत्व तो सबसे ज्यादा माना जाता है। इसीलिए हमारे चरकाचार्य जी इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा कि गृहिणी की चिकित्सा करना है, गृहिणी को ज्यादा देर तक टिकाए रखना है अग्नि को, तो इसीलिए लवण रस का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में क्षार कल्पना बताइए चरकाचार्य जी ने, तो इस पर वाग्भट जी कुछ बताते हैं कि वाग्भट जी ने ऐसा बोला है कि क्षार के विषय में वाग्भट बोलते हैं कि क्षारः सर्वस्य परमम् तीक्ष्णोष्णः कृमि लघुः। क्षार जो होता है, कोई भी क्षार, वो अत्यंत उष्ण और तीक्ष्ण होता है, साथ ही वो लघु होता है, इसलिए क्षार तुरंत अग्निवर्धन करने में सक्षम होता है। अतः जिन जिन व्याधियों में अग्नि अत्यधिक उपहत होता है उसमें क्षार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अर्श व्याधि है उसमें हम लोग क्षार सूत्र करते हैं, या फिर उदर व्याधि है, कफज उदर में क्षार का प्रयोग होता है। क्षार क्या करता है, छेदन भेदन करने वाला होता है, इसीलिए कफज ग्रहणी में क्षार का प्रयोग बताया गया है। अर्श में हम लोग क्षार सूत्र करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, क्योंकि वो शरण करता है, छेदन भेदन करता है, ये बहुत ही क्षार उष्ण और तीक्ष्ण होता है। जिस प्रमाण में हमें क्षार का प्रयोग करना है उस प्रमाण में हम लोग लक्ष्मणाधिवटी में क्षार डालते हैं, क्रव्याद रस में क्षार डाला जाता है, चित्र आदिवटी में क्षार डालते हैं, तो यह मतलब उष्ण तीक्ष्ण होता है और जल्दी से को दीप्त कर देते हैं। दूसरा है कि श्रावण प्रधान कुछ होते हैं, दीपनीय महाकषाय में कुछ कुछ द्रव्य बताए। अब दीपनीय महाकषाय कौन से हैं, चरक सूत्र फोर्थ दीपनीय महाकषाय लेंगे तो पिपल है, मूल है, चव्य है, चित्रक है, शुंठी है, मरीच है, काली मिर्च, अजमोदा, भल्लातक और हींग बताए। अम्ल वेतस को छोड़ सभी रसात्मक है, द्रव्य में कुछ द्रव्य के साथ क्षार और लवण वर्ग के द्रव्य का संयोग करके चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, इसमें दीपन के साथ में
साकार किया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसी में आता है चित्रकारी, चिकित्सा में चित्रकारी में शाल भी डाला हुआ है और लवण भी डाला हुआ है ना, वो विभिन्न दीपन के मतलब चित्रकारी वटी में हम लोग देखेंगे तो इसमें चित्रक है, मूल है, दोषार है, यवशार और सज्जीशार है, लवण है, व्योष है, त्रिकटु है, हिंग है, अजमोद है, चव्य है, इनको मिक्स करके और मातुलुंग का अम्ल के साथ में मातुलुंग का या दाढ़िन का रस, अनार का रस की भावना दी हुई है। तो ये कितना अच्छा क्षार और लवण और दीपनीय कषाय का चित्रक डाला हुआ है। तो यह बहुत ही अच्छा आम का पचन करता है, अग्नि को दीप्त करता है। चित्रकारी भट्टी का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये आम पचन करता है, अग्नि दीपन करता है, ऐसा उल्लेख फलश्रुति में मिलता है। अब आप लोग बताइए कुछ इस पे, कुछ आप लोग का कुछ अनुभव या कुछ बताइए। यहाँ पे अखिलेश मिश्रा जी नहीं है, अखिलेश तिवारी जी, डॉक्टर मनीषा मैम, आप अग्नि दीपन के लिए चित्रकारी भट्टी का प्रयोग करती हैं? और करती हैं तो कितना दिन, कैसे करती हैं, कृपया बताइए। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? शायद मैम नहीं है, कोई बात बताना चाहे तो कर बताइए आप। जी सर, अभी अग्नि दीपन और अग्नि का संरक्षण और इसके बारे में बहुत अच्छे से अभी जानकारी दी आपने कि अग्नि हमारी प्रदीप्त रहे, स्वतः अग्नि प्रदीप्त होने पर ही सही मायने में दीपन पाचन हो पाता है। तो चित्रकारी भट्टी का जैसे बताया सर, तो जैसे कफज व्याधि है और अग्नि मंद है तो उसमें चित्रकारी भट्टी का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। शंख भट्टी, चित्रकारी भट्टी, ये सब चीजें अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जस्ट एक कैटलिस्ट का काम करती है। ये तो देते ही हैं सर, और साथ में जो छारी है आपने बताई औषधि है सब, तो ये भी देते हैं साथ में। और कुछ दिनों तक उसको संरक्षण देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि अग्नि प्रदीप्त हुआ, क्षुधा भी बढ़ी और फिर खाना शुरू कर देते हैं, तो मात्रा ज्यादा, भूख से ज्यादा खाना, अनियमित खाना खाना, तो बीच बीच में इसमें डिस्टर्बेंस आता है। यदि सही माने में अच्छे से साधन दिया जाए और अग्नि को प्रदीप्त करके और समय धीरे धीरे इसको यदि बढ़ाया जाए तो हमारे ग्रहणी कला पर भी अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। और जो ग्रहणी कला है, वो ग्रहणी कला जब तक हमारी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाती है तब तक अग्नि ऐसे ही आगे पीछे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो अभी हमारे ग्रहणी पे भी बहुत अच्छी परिचर्चा चली पिछले समय में, जो हर दृष्टि से हर व्याधि के लिए प्राथमिक तौर पर पे प्राथमिक उपचार के लिए बहुत अच्छी सिद्ध हुई है सर। और इसको मैं चलाती हूँ चित्रकारी भट्टी को, इसका दीपन पाचन भी बहुत अच्छा होता है, आम का भी पाचन साथ में होता है, दीपन भी होता है और अग्नि को प्रदीप्त भी करती है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, थैंक यू। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे अग्नि को संरक्षण करने वाले द्रव्य हैं, अग्नि को इग्नाइट करने वाले द्रव्य हैं, जहाँ पे अग्नि मन है, अग्नि को बढ़ाना है। इसी क्रम में आता है शंखवटी। शंखवटी आप लोगों ने बहुत सारा यूज किया है, योग रत्न क्या है, चिंता चार पलम पटु वज पलम नींबू रसे कल्कितम तस्मिन शंख पलम प्रतिप्तम सक्र निवाप्य शरणावती नींबू पीयूष पलम रसामृत बलि निक्षिप्य कांश का बद्वा शंखवटी शय ग्रहणिका रुख पक्ति शुलादिशु। इसका मतलब यह है कि शंखवटी में भी चिंचा क्षार का प्रयोग किया है, इमली का क्षार का प्रयोग किया है और ये लवण है, त्रिकटु है, दीपन द्रव्य भी है। तो ये अम्ल रसात्मक नींबू रस की भावना है। तो यह कल्प जो है शंखवटी संरक्षित करता है अग्नि को, जिस तरह से हम लोग कहीं पर लकड़ी है बहुत ज्यादा तो हम लोग माचिस डाल के अग्नि को करते हैं, अग्नि को दीपन करने के लिए और वायु का अनुलोमन करने के लिए शंखवटी का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी क्रम आता है अग्नि नाम के ग्रंथ क्या बताया है, सुतम शुद्ध
मेरा नेट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे बोला है अग्नि तुंडी वटी के बारे में क्या बताया, शंख फटी के बाद बता दीजिए, आवाज आपकी कट गई थी। शंख फटी के बाद आपने क्या बताना शुरू करा था सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। शंख फटी के बाद शंख फटी का मैंने आपने सुन लिया कि क्या क्या शंख फटी का आपने बता दिया सर। हाँ तो ये शंख फटी है, चित्रकारी वटी है, ये अग्नि को संदूषित करता है, अग्नि को यह इग्नाइट करता है। जैसे कि सूखी लकड़ी है जंगल में, वहां पे हम लोग मैच बॉक्स जला के उसको जलाते हैं, इग्नाइट करने का, अग्नि को लाने का मतलब शुरुआत, अग्नि को संदूषित करने का काम कौन करता है, चित्रकारी वट्टी, शंख वट्टी। ठीक है, इसी क्रम में आता है अग्नि तुंडी वट्टी। रसचंडांशु नाम के ग्रंथ में क्या बताया, शुद्धम सूतम विषम गंधम अजमोदा फल त्रिकम सर्जी शारम यवक शारम वहनी सैंधव जीरकम स्वर्वर्चलम विडंगाने सामुद्रम त्रिउष्णम तथा विश्व मुष्टिम सर्व समीरामलेन मर्दियत मृचाबाम वटिम खादेत वहनी मंद प्रांते। अग्नि तुंडी वटी जो है इसमें भी दीपन द्रव्य के साथ शार और लवण का प्रयोग किया है बहुत ज्यादा, तो ये भी अग्नि तुंडी वटी भी जो है ये बहुत ज्यादा अग्नि को संदूषित करता है। ठीक है, हम लोग अग्नि पे जब बात कर रहे हैं तो तीन स्टेप में हम लोगों ने बात किया, एक अग्नि को संदूषण करने वाले द्रव्य, दूसरा हमने अग्नि को धमापन करने वाले द्रव्य। धमापन का मतलब जिस तरह से लोहार जो रहता है वह क्या करता है कि अपनी भट्टी को जलाते रहते हैं तो अग्नि और बढ़ते जाती है। तीसरा स्टेप है अग्नि को स्थिरीकरण का, आज मैंने अग्नि को संदूषित करने वाले जो कॉन्सेप्ट है कि और इसमें लवण रस का महत्व है, कटु रस और अम्ल रस और लवण से अगर देखे तो लवण रस में ज्यादा उष्णत्व रहता है, के बाद अम्ल रस रहता है और उसके बाद में कटु रस रहता है ना, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया। अभी हम लोग कल इस पे और चर्चा करेंगे, अग्नि धमापन चिकित्सा, फिर अग्नि स्थिरीकरण चिकित्सा, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई भी मेरी बात नहीं समझ आई तो उसके लिए आप लोग फिर से बोलिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, किसी का कोई विचार है तो रख सकते हैं, बोलना है, अगर नहीं बोलना है तो हम सेशन बंद करते हैं, 15 पर फिर मिलेंगे। ठीक है, अगर हो सकेगा तो यही टॉपिक मैं कल फिर से बताऊंगा आप लोगों को और अच्छे से, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, 8:15 पर मिलते हैं। थैंक यू।